दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायण यानी ASN की मूवी के रिलीज डेट के बारे में, जो कि हो चुकी है चेंज। तो ज्यादा घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊँ कि कब कौन सा वर्जन रिलीज होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को सबसे पहले तो आपको करना है कि शेयर। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा ASN के व्यूवर्स तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। और उसके साथ साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, और साथ ही बेल आइकन है उसमें जो ऑल का ऑप्शन उससे प्रेस करना, उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा कोई भी या ASN से रिलेटेड, आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। शुरू करते हमारा आज का ये वीडियो। तो जैसे आप सबको पता था कि ASN मूवी रिलीज होने वाली थी 5 अलग लैंग्वेज में, यानी इनके जो मेन कन्नड़ा वर्जन है उसके अलावा यहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी हमें नजर आने वाली थी। और सारी की सारी मूवी एक ही दिन यानी 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने अनाउंसमेंट की है, रक्षित शेट्टी ने खुद अनाउंसमेंट की जो रिलीज डेट है वो चेंज हो रही है। यानी कि ध्यान से सुनो, जो इसका कन्नड़ा वर्जन है वही 27 दिसंबर को रिलीज होगा, उसके अलावा जो तेलुगु वर्जन है वो 1 जनवरी को रिलीज होगा यानी 1 जनवरी 2020 को रिलीज होगा, और तमिल और मलयालम वर्जन की बात करें तो वो 3 जनवरी को रिलीज होगा 2020 यानी 3 जनवरी 2020। और फाइनली जो हिंदी ऑडियंस है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जैसे कि मैं, तो हम लोगों के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग जो न्यूज आई वो ये है कि इसका हिंदी वर्जन रिलीज होगा 17 जनवरी 2020 को। तो हिंदी वालों को काफी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता कि ये मेकर्स का डिसीजन कहां तक के सही बैठता है। तो देखो, जो कन्नड़ा वर्जन है उसका तो सेम रिलीज डेट है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। तमिल, तेलुगु और मलयालम की बात करें तो यार उनके ऑडियंस के हिसाब से इस फिल्म का जो रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा था, और उनके हिसाब से जो चेंज हुआ वो शायद कुछ रक्षित शेट्टी ने अपने हिसाब से डिसाइड किया होगा। लेकिन जो हिंदी वालों का है, हिंदी वालों का चेंज करके बहुत अच्छा है, क्या क्योंकि देखो हिंदी में अभी तक के रक्षित शेट्टी ने उसकी टीम वाले किसी ने भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं किया। मैंने मुंबई में एक को भी नहीं देखा कहीं प्रमोशन करते हुए, कोई शोज में आते हुए कहीं पे भी नहीं देखा, ना ही इस मूवी का कोई हिंदी सॉन्ग रिलीज हुआ, यानी कि एक ही गाना ASN का रिलीज हुआ जो कि हैंड्स अप है, और हैंड्स अप यहाँ पे हिंदी वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेकर्स की स्ट्रेटेजी सीधी सीधी ये है कि इस मूवी को अदर्स लैंग्वेज में पहले रिलीज करेंगे और लास्ट में आराम से हिंदी के लिए प्रमोशन करके फिर हिंदी लैंग्वेज को रिलीज करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब ये मूवी रिलीज होगी, कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उसका पायरेटेड वर्जन रिलीज हो जाता है, तो अब जो हिंदी ऑडियंस है वो इसके पायरेटेड वर्जन को नहीं देख पाए, क्योंकि जो कन्नड़ा में अगर रिलीज होती है अगर उसका पायरेटेड वर्जन आता भी है तो हिंदी ऑडियंस देख नहीं पाए, क्योंकि वो लैंग्वेज हिंदी ऑडियंस को समझ में आएगी नहीं, और ना ही इसके तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब लैंग्वेज भी हिंदी ऑडियंस को समझ में आने वाली नहीं है। और हिंदी ऑडियंस फिर वेट करेगा 17 जनवरी का, जो कि सीधा सीधा फायदा हो जाएगा मेकर्स का। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेकर्स की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर प्रमोशन नहीं करेंगे, कोई किसी बड़े बैनर से टाई अप नहीं करेंगे, तो ये फिल्म का हिंदी में चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि चलेगी, लेकिन सिर्फ मौत पब्लिसिटी से चलेगी, वरना ऐसे में कुछ भी प्रमोशन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है ASN के बारे में बिल्कुल भी बहुत कम लोग जानते हैं, अगर जो लोग जानते भी है तो वो सिर्फ मौत पब्लिसिटी की वजह से जानते हैं, अदरवाइज बहुत कम लोग जानते हैं ASN मूवी के बारे में। तो बस मैं तो बोल रहा कि जो भी मेकर्स ने डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया हिंदी वर्जन को लेकर, बाकी सब वर्जन तो एक दिन आगे पीछे रिलीज हो रही तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 27 हो या 1 हो या 3 हो तो कुछ ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन हिंदी वर्जन की माने तो बहुत बड़ा गैप है। तो देखते हैं, हम लोग और थोड़ा इंतजार करेंगे। अगर आप लोग को भी चाहिए कि भाई मैं उनके वर्जन यानी कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम में जाके देखूं अगर मुंबई में लगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो मुझे वेट करना पड़ेगा 17 जनवरी तक का। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वो मेकर्स का ये डिसीजन कहां तक के सही है और उन लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया, आप अपना ओपिनियन भी मुझे दे सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।